नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कौन है फुजई गुरु और आखिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि बिहार की यात्रा पे पहुंचे थे उनको क्यों आई उनके याद, साथ ही वीडियो के हिस्से में बात होगी हरियाणा में बन गई है बात, दुष्यंत चौटाला होंगे डिप्टी सीएम तो मनोहर लाल खट्टर बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री, साथ ही वीडियो के अगले हिस्से में बात होगा बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया है फटाकों को लेके एक आवश्यक निर्देश, इसके अलावा पटना के एसएसपी गर्माजन ने कहा है कि जुआरियों की इस साल खैर नहीं, तो तमाम बड़ी खबरों पे हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अगर हमारा वीडियो आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो कृपया पेज लाइक कर दे, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। जापानी बौद्ध भिक्षुक है जिनका पूरा नाम निकिटदत्सु पूजी है। आपको बता दें कि फुजई गुरु ने पूरी दुनिया में विश्व शांति के लिए पीस पैगोडा का निर्माण कराया था, इसी के अंतर्गत बिहार के राजगीर में भी बुद्ध शांति सपूत का निर्माण उन्होंने करवाया था। आपको बता दें कि 1933 में फुजई गुरु जी जो थे महात्मा गांधी से मिले थे, वहां उन्होंने महात्मा गांधी को आपने तीन बंदर वाले प्रतिमूर्ति देखा होगा वो फुजई गुरु जी ने ही भेंट किया था। इसके अलावा विश्व में फुजई गुरु जी का और भी कई सारे योगदान है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 1942 में जब दुनिया विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर थी तब फुजई गुरु जी पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैला रहे थे। हरियाणा में भाजपा और जजपा के बीच में बात बन गई है। जी हाँ, हरियाणा में भाजपा और जजपा मिलकर सरकार बनाने जा रही है, जहाँ की भाजपा से मुख्यमंत्री तो वहीं जजपा से उप मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेंगे, तो वहीं दुष्यंत चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदूषण नियंत्रण ने फटाकों को लेकर एक आवश्यक गाइडलाइन जारी किया है जिसके तहत फटाके जलाने का समय रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, ऐसा ना करने वाले लोग खिलाफ कानूनी कार्रवाई। गरिमाजन ने कहा है कि इस बार दिवाली वाली रात जुआरियों के खैर नहीं है। आपको बता दें कि दिवाली की रात जो होती है जन्नत की रात होती है, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या के रात को जो लोग जुआ जीतते हैं वो वर्ष भर जीतते रहते हैं। इसको लेके छोटे बड़े कारोबारी से लेकर रसूखदार लोग भी अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। आपको बता दें कि यह जो धंधा है काफी बड़ा हो चुका है और लगभग पटना के अंदर कल की रात करीब 20 करोड़ से ज्यादा का जुआ होने का अनुमान है। इसको लेकर सटोरी जो है अलग अलग प्रोपेगेंडा के तहत तैयार बैठे हैं। जुआ जो है ऑनलाइन तक के खेलने की तैयारी हो चुकी है, साथ ही कई सारे रसूखदार का जो घर है वो जुआ का अड्डा होगा, तो इन सब पे पटना के एसएसपी गरिमा जैन की पूरी नजर होगी। इसके लेके उन्होंने एक स्पेशल टास्क का निर्माण किया है। आपको बता दें कि इसमें टोटल 12 पुलिस कर्मी होंगे जो चप्पे चप्पे पे नजर रखेंगे, साथ ही मुखबिरों का भी सहारा लिया जाएगा, वहीं साइबर सेल की भी मदद ली जाएगी। कल 11,000 दीपों से रोशन होगा तख्त श्री हरमिंदर। आपको बता दें कि कल दीपावली की रात तख्त श्री हरमिंदर को 11,000 दीपों से सुसज्जित किया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स फिर से दुनिया के नंबर एक धनी व्यक्ति बन गए हैं। आपको बता दें कि बिल गेट्स जो थे पिछले 24 वर्षों से इस तख्त पे काबिज थे, लेकिन पिछले वर्ष अमेजन इंक के सीईओ बेजोस जो थे उनको पीछे छोड़ते हुए 160 अरब डॉलर के साथ दुनिया के नंबर वन धनी व्यक्ति बन गए थे। लेकिन इस साल अमेजन इंक की जो तिमाही रिपोर्ट आई है उसमें अमेजन इंक को नुकसान हुआ है और अमेजन इंक की टोटल संपत्ति इस समय 103 करोड़ है, वहीं बिल गेट्स की टोटल संपत्ति 106 करोड़ है। इस वजह से बिल गेट्स जो है दुनिया के नंबर एक धनी निर्वाचित सांसद प्रिंस राज से उनके पार्टी लोजपा प्रसन्न है और उन्हें इसके लिए बधाई देते हुए उनकी जो पद है ओहदा वो बढ़ा दिया है। आपको बता दें प्रिंस राज जो है लोजपा के बिहार पार्टी अध्यक्ष होंगे।